أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد من عرف فاطمة بحق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها صلوات بر محمد وآل <تصالت> 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 محمد, <محمد> <تصالت> أيام فاطمية جو هين وہ شروع ہو گئے ہیں <يه> یہ بہت ہی ايام ہیں کہ جن میں شہزادی खातून जन्नत सैदत फातमतरा सला इस्लाम के सिलसिले में जो आपका कंट्रीब्यूशन है जो आपकी सर्विस है और जो आपकी सेक्रीफाइस है कि जिसकी वजह से आज तक इस्लाम जिंदा और बाकी है उन सर्विसेज को उन सेक्रीफाइस को मेंशन करना बयान करना और उसी के साथ साथ उनके ऊपर जो मसाइब और जो जुल्म किए गए उनको याद करना कि शहजादी ने अल्लाह की राह में उन मसाइब को और उन तकालीफ को उन सफरिंग को किस तरह से बर्दाश्त किया आज का जो मेरा टॉपिक है कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सदीक अल्लात वसला उनकी अपनी नजर में शहजादी क्या है उन्होंने किस नजर से अपनी दादी को देखा है और उन्होंने क्या बयान फरमाया है और कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसको मैं बयान करना चाहता हूं जल्दी जल्दी फरमाते हैं कि मन आरफा फातिमा बेहती मारिफतिहा जिसने भी जहरा सलाम्ला को पहचाना जो उनके पहचानने का हक है एक जानना होता है और एक पहचानना होता है जानने का मतलब यह है कि हम ये जान जाएं कि फुलां का नाम क्या है फादर का नाम क्या है मदर का नाम क्या है डेट ऑफ बर्थ क्या है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है ये जनरल चीजें हैं एक होता है मारिफत टू नो क्या मतलब है यानी उनकी अपनी जिंदगी क्या है उनके अपने मेरिट्स क्या हैं, उनकी अपनी ब्यूटीज क्या है क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं क्या उनके कमालात हैं, ये जानना फरमाते हैं कि जो जानने का हक है अगर किसी ने शहजादी को इस तरह से मारिफत हासिल की फकद अदरक अल कदर तो गोया उसने कद्र को हासिल कर लिया और उसके बाद में फरमाते हैं इन सुम्मियत फातिमा अल्लाह ने हमारी दादी का नाम फातिमा इसलिए रखा इसलिए उनको यह नाम दिया गया फल खल معرفتها कि अल्लाह की मखलूक जो है वो आपकी मारिफत हासिल नहीं कर सकती है फातिमा का एक मतलब होता है बचना फातिमा कीप डिस्टेंस एक मतलब यह होता है कि अल्लाह की जो मखलूक है वो कभी भी हमारी दादी की मारिफत हासिल नहीं कर सकती है फातिमा की मारिफत हासिल करने के लिए जरूरी है जिस तरह से मारिफत है या तो वो नबी हो या फिर वो इमाम हो इंट्रोड्यूस भी वही करा सकता है या फिर वो नबी हो या फिर वो इमाम हो लेकिन अगर ऐसा हुआ किसी ने पहचान लिया तो इसका मतलब यह है कि गोया उसने लैलतुल कद्र को हासिल कर लिया देखिए अब कद्र में और शहजादी कौन सलाम उल्ला में क्या सिमिलरिटीज हैं क्या मुशाहबत है इसको ओलमा ने बहुत डिटेल में लिखा है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं हमारे यहां एक बहुत ही स्कॉलर गुजरे हैं हैं अभी जिनका नाम है फादिल अल मसऊदी उनकी एक किताब है अल असरारुल फातिमिया कभी आपको मिले अरबी में है इसको पढ़िएगा बहुत अच्छी किताब है उन्होंने बहुत से पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं उन्हीं की किताब से पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है कि कौन सी ऐसी बात है कि मौला ने फरमाया कि फातिमा को पहचानने का मतलब यह है फातिमा को हासिल करने का मतलब यह है कि तुमने लैलतुल ललित को पहचान लिया तुमने लैलतुल को पा लिया देखिए लैलतुल ललर क्या है लैलतुल है अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम लैलतुल कदर है राज का मतलब क्या होता है सीक्रेट का मतलब क्या होता है हिडन जो किसी को मालूम ना हो छुपा हुआ लैलतुल कदर जो है वो कुछ रातों के अंदर छुपी हुई है हमें मालूम नहीं है उन्नीसवीं है नाइनटीन है या फिर जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट है या फिर ट्वेंटी थर्ड है हमें मालूम नहीं है और उसमें भी अगर हम ये मान भी लें कि ट्वेंटी थर्ड है तो ट्वेंटी थर्ड में भी कौन सी ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ यह मालूम नहीं है अगर ये पता भी चल जाए तो जिस तरह से ललित्र जो है वो अल्लाह के राजों में से एक राज है उसी तरह से फातिमा सलाम्ला भी अल्लाह के राजों में से एक राज हैं फातिमा खुदा है सीक्रेट ऑफ अल्लाह जिसको कहा जाता है लैलतुल लदर क्या है लैलतुल ललित के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है इन्ना फी हमने लैलतुल ललर में कुरान नाजिल किया देखिए लैलतुल ललित में कुरान कुरान नाजिल का मतलब क्या है कुरान का मतलब यह है कि जो अभी हमारे पास में जो अल्फाज हैं अब ये भी है अभी हमारे पास में जो अल्फाज हैं वो अल्फाजल कदर में नाजिल हुए इसलिए कि अल्लाह जो है वो अरबी तो बोलता नहीं है खुद अल्लाह की अपनी कोई जबान नहीं है कि जिस तरह से अल्लाह तो जबान का मोहताज ही नहीं है जबान का मोहताज तो वो होता है जिसके सामने कोई मीनिंग ना हो अल्लाह के सामने सारी चीजें जो है वह बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह से हमारे सामने नहीं है लेकिन अल्लाह ने अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया यानी मतलब क्या है एक होता है अरबी में कहते हैं उसको वर्फ, वर्फ के माने होते हैं एक पीरियड के भी माने होते हैं प्लेस के भी माने होते हैं अगर रिलेटेड जो है वो टाइमिंग से है तो उसको कहा जाता है वर्फ जमान और अगर रिलेटेड जो है मैटर जो है वो किसी प्लेस से है तो उसको कहा जाता है दरफुल मकान ललित क्या है ललित एक वर्फ ज़मान है कि जिस पीरियड में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया जिसने फातिमा की मारिफत हासिल की गोया उसने ललित्र की मारिफत हासिल की क्यों इसलिए कि कदर में कुरान नाजिल हुआ और फातिमा वो कदर हैं जिनके जरिए से दुनिया को ग्यारह बोलते कुरान मिले हैं सिर्फ एक कुरान नहीं कदर में तो सिर्फ एक कुरान नाजिल हुआ है और ये वो बीबी हैं ये वो खातून हैं जिनके जरिए से दुनिया को इसलिए कि उनका टाइटल है उम्मल अम्मा ये तमाम आइम्मा की मादरे गिरामी है यानी क्या मतलब है आइम्मा क्या है आइम्मा जो है वो बोलते कुरान है कुरान नातिक हैं इसलिए फातिमा जो है वो फातिमा को पहचानने का मतलब यह है कि लैलतुल कदर को पहचानना लैलतुल कदर क्या है लैलतुल कदर में आमाल जो है मल्टीप्लाई होते हैं ऐसा नहीं कि हम ये समझे तो ये तो हमारे यहां जो पहली बात तो यह कि हमें ललुल कदर के बारे में मालूम नहीं है हम तो इसलिए कि अल्लाह का राज है ये ये किसी को मालूम नहीं है जिस तरह से ललित्र जो है वो राज खुदा है इसी तरह से शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलिया जो है वो भी राज खुदा है ललित्र में हमारे जो एक्शन हैं जो हम परफॉर्म करते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं क्या मतलब इसका मतलब है आम दिनों में अमल करना आज की रात अमल करना और कदर में अमल करना बहुत फर्क है कदर है ही इसीलिए कि तुम उसमें अमल करो इसलिए किसी रात में हमारे यहां अमल नहीं है कुरान का अगर कुरान का अमल है तो वो लयाल कदर में है कदर की रातों में अमल है क्यों इसलिए कि ये एक्शन की रात है ये अमल की रात है नमाज की रात है इसमें नमाज पढ़ो इसमें कुरान पढ़ो इसमें ये सूर्य पढ़ो इसमें ये करो इसमें ये इस्तेफार है ये सारी चीजें क्यों इसलिए कि ये रात ही बनाई गई है इसीलिए लेकिन पता नहीं है अगर किसी ने एक रकत नमाज पढ़ी है ललित कदर को तो एक रकत नमाज पढ़ने का स्वाब जो है वो एक हजार रकत है ललित्र में अमल जो है वो इतना मल्टीप्लाय होता है इतना मल्टीप्लाई होता है कि एक हजार रकत का सवाब है एक पाउंड अगर किसी ने खुदा की राह में सिदक दिल से सिंसियरिटी से प्योरिटी से खलूस से अगर खुदा की राह में लैलतुल कदर में खर्च किया है तो गोया अल्लाह उसे हजार पाउंड खर्च करने का रिवॉर्ड देगा क्यों इसलिए कि लहलित कदर है देखिए क्या मुशाहबत है कद्र और जहरा सलाम उल्ला कितनी मुशाहबात है हमारे यहां हुक्म है कि नमाज पढ़ने के बाद में अगर बेहतरीन अमल है कोई तो वो तस्वीर है जहरा सलाम्ला है एक सवाल पड़े मोहम्मद वाले मां ये तस्वीर जो है थर्टी फोर टाइम जो है वो अल्लाह अकबर है उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स है और सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स है ये क्यों है ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एक आदतन है ये इसलिए कंडीशन रखी गई मारिफतन जिसने जो हक है मारिफत का पहचानने का अगर किसी ने पहचाना तो उसे कदर मिल गई कदर में क्या होता है तुम्हारा जो अमल है वो इतना बढ़ जाता है इतना बढ़ जाता है कि खुदा एक के बदले में तुम्हें हजार का सवाब देता है क्यों इसलिए कि मिन खैरुमिन अलफिशार ये हजार महीने से अफदल है इसलिए अमल भी हजार ही होगा एक अमल को तस्वीर क्या है नमाज के बाद में बेहतरीन हम तो समझते नहीं कि तस्वीर क्या है हमा, हमारे यहां तस्बी का मतलब यह होता है कब खत्म हुई और कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता है धूम करके सुपर की स्पीड से पढ़ते हैं हम तो पता ही नहीं होता कब शुरू हो, कब खत्म हालांकि ये बेहतरीन अमल है ये बेहतरीन अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हाजत को कबूल कराने के लिए मुराद को पाने के लिए नमाज वाजिब या सुन्नत के बाद में अगर बेहतरीन अमल है तो यह तस्वीर जहरा है देखिए इसके बारे में क्या है इसके बारे में यह है कि जो तस्बीह पढ़ता है जो तस्बीह पढ़ता है नमाज के बाद में चाहे वो वाजिब हो या सुन्नत हो जो नमाज के बाद में तस्बीह पढ़ता है तो तस्बीह पढ़ने वाले को भी एक रकत का सवाब जो है वो एक हजार मिलता है जिस तरह से कदर में है जिस तरह से कदर में है कि एक रकत पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें हजार का सवाब देगा इसी तरह से तस्बी के बारे में है क्यों इसलिए कि यह तस्वीर है जहरा है जो खुद लाइल कद रहे तस्वीर नमाज के बाद में पढ़ी अब हमने तीन जो है वो रकतें पढ़ी मकरीब की उसके बाद में हमने तस्वीर पढ़ी तो हमको कितना सवाब मिलेगा तीन हजार रकत का सुबहान तला तीन हाथ जिस तरह से लैलतुल कदर के जरिए से आमाल तुम्हारे मल्टीप्लाई होते हैं इसी तरह से जो चीज तुम्हें शहजादी फातिमा के सदके में मिली है अगर तुम उसकी तिलावत करते हो तब भी तुम्हारे आमाल मल्टीप्लाई होते हैं क्यों इसलिए कि जिसने फातिमा को पहचाना गोया उसने लल को पहचाना रातें सब ये तो है भाई सन जो है वो सेट होता है अंधेरा हो जाता है उसको रात कहा जाता है क्या फर्क है जुमेरात में या जुमे की रात में या सैटरडे संडे कोई फर्क तो है नहीं डार्कनेस तो वही होती है उसी को रात कहते हैं सूरज लेकिन क्यों ले कद्र कदर ऐसी नहीं है अल्लाह ने कहा रातों में अगर सारी की सारी रातें उनमें अगर कोई रात है तो वो लैलतुल कदर है तमाम जैसे कि तमाम दिनों का सरदार जुमा है इसी तरह से तमाम रातें जो पाई जाती हैं साल भर में उनकी सरदार अगर कोई है तो वो लैलतुल कदर है औरतें बहुत हैं, इस्लाम के अंदर बहुत सी बहुत सी औरतें हैं उमहातुल मोमिन भी हैं बहुत अच्छी अच्छी, अच्छी औरतें हैं लेकिन अगर औरतों में कोई सरदार क्यामत तक कोई है तो वो सिर्फ है सयदतो निसाइल आलमीन फातिमा जहरा सलाम्ला जैसे तमाम रातों में सरदार लतुल्कदर है इसी तरह से तमाम औरतों में अगर अवलीन और आखरीन क्यामत तक कोई सरदार है तो वो शहजादी कौनैन सलामल्लाह अलिया की धाते गिरामी है असल जो मैं बात ये कहना चाहता था वो ये है कि सवाल अब ये होता है कि फातिमा सलामल्लाह अलिया नबी नहीं है नबी है नहीं हम तो मानते नहीं है इमाम है इमाम भी नहीं है जब ये खातून जो है खातून जन्नत निसाइल आलमीन नबी भी नहीं है इमाम भी नहीं है तो फिर इनकी जरूरत क्या है यह अकीदा रखना कि रसूल की ये बेटी जो है जिनको कुरान ने कौसर कहा है जो कुरान में जो है वो तत से पहचानी जाती हैं क्या यह जरूरी है कि इनको मासूमा माना जाए मासूम इनफेलेबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट वहां पर होता है जहां पर कोई डिवाइन पोस्ट होती है डिवाइन पोस्ट सिर्फ दो ही है एक नबूवत है और एक इमामत है शहजादी नबी भी नहीं है शहजादी इमाम भी नहीं है तो फिर इनको मासूम क्यों माना जाए हमारे यहां आ ये एक जिसको कहिए कि डिस यूनिटी या इसको कहिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स पैदा हुए मधबे शिया में जिन्होंने ये डाउट जो है वो कास्ट किए क्रिएट किए और उसके बाद में उस पर कुछ किताबें भी आईं उसके जवाब में और उसके बेहतरीन समझने के लिए शहजादी का पूरा जो खास उनकी जिंदगी का मकसद है वो समझने के लिए एक बेहतरीन किताब लिखी गई है जो अभी भी अभी भी वो वो स्कॉलर जो है वो मौजूद हैं कुम में जिनका नाम है जाफर मुर्तबा आमिली अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे मैं आपसे ये कहता हूं मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी किताबें आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा बड़ा मज, बहुत मजे की किताबें होती है बहुत अच्छी टू दी पॉइंट होती हैं बिल्कुल समझने में बिल्कुल ईजी है ऐसे कोई नहीं कि फिलोसफी उसके अंदर है कि आदमी समझ ना पाए उनकी किताब है मासातु जहरा सलाम अल्लाह आलिया मासात के माने होते हैं सफरिंग के सफरिंग ऑफ जहरा सलाम अल्लाह आलिया उस किताब में उन्होंने एक एक जो भी डाउट जो है क्रिएट किए गए या लोग जो है या क्वेश्चन जो होते हैं उन सब का जवाब उन्होंने दिया है मुझे मालूम नहीं कि इंग्लिश में अभी हुई है नहीं हुई है ये मुझे मालूम नहीं लेकिन बहरहाल दूसरी जबानों के अंदर ये किताब जो है वो पाई जाती है इसलिए कि ये खुद अरब है ये लेबनीज हैं लेकिन रहते हैं यकोम के अंदर ये बहुत अच्छे राइटर हैं और इनको जो है वो बाकायदा कई मरतबा जो है उनकी किताबों के ऊपर जो है वो मेडल भी उनको मिल चुका है उनकी बेहतरीन किताब जो है वो जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरीन काम किया एक तो ये है जहरा है और एक रिसेंटली अभी उनकी किताब जो आई है कई वॉल्यूम के अंदर है उसका नाम है असही मिनसीरतिन नबीआम इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसमें उन्होंने उनका जो फाइनल जो उन्होंने लिखी है इस्लामिक हिस्ट्री वो पढ़ने के काबिल है एक एक पॉइंट को उन्होंने लिया है और प्रूफ किया है कि क्या सही है क्या गलत है बहुत अच्छी किताब है वो असही नबी आदम उन्होंने उनके उनसे कुछ सवाल किए गए जैसे कि बहुत से ओलमा होते हैं स्कॉलर होते हैं उनसे जो ये पूछा जाता है कि ये क्यों है और ये क्यों है मून पे जाएंगे तो कैसे नमाज पढ़ेंगे और जुपिटर पे जाएंगे तो कैसे नमाज पढ़ेंगे हालांकि तुम यहां पर जमीन पे पहले जमीन पे तो पढ़ो नमाज जमीन पे तो पढ़ते नहीं हो तो वहां पे क्या पढ़ोगे भैया तुम जाके खैर पूछने वाले बहाल पूछते ही ऐसे ही लोग पूछते हैं बस और क्या कुछ अच्छे भी होते सवाल करने वाले तो जो सवाल होते हैं उनके जवाब बाद दिए जाते हैं आप देखेंगे कि मकारिम शिराजी से पूछे गए हैं आयतुल्ला बहाजत रहमत से सवाल किए गए पूरी किताबें हैं और खुद तबा तबाही रहमतुल्ला से सवाल किए गए हैं पूरी किताब है उसकी सब क्या उन्होंने जवाब दिए हैं आयतुल्ला सीस्तानी से उनको लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ में उनसे सवाल किए गए हैं वो भी किताब की शक्ल में हमारे पास में मौजूद है तो इस तरह से जो अच्छे अच्छे ऐसे होते हैं स्कॉलर होते हैं उनसे लोग सवाल कर इनसे भी दो वॉल्यूम में इनकी किताब है इनसे सवाल किए गए हैं इन्होंने जवाब दिया ये किताब भी आप जरूर पढ़िएगा और ये जो जिनकी मैं बात करूं जाफर मुर्तुदा आमली ये जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि अन नोन है बहुत नोन है ये बहुत ही कुंभ में इनका बहुत चर्चा है और बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है खैर उन्होंने इस बात का जवाब दिया जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ना ये नबी हैं, ना इनके पास में ये डिवाइन पोस्ट है जिसको नबुवत कहते हैं ना ये इनके पास में डिवाइन पोस्ट है कि जिसको इमामत कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम ये माने कि ये रसूल की बेटी जो है ये मासूमा है इनके पास में इसमत है इसमत होना जरूरी है इनके लिए देखिए हमारे इसमें होता ही है कि उन्होंने बात बहुत अच्छी लिखी कि हम ये हमारे यहां जो सेट क्राइटेरिया होता है वो सेट क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है कि जो आई कैचिंग है तो हम ये समझते हैं कि बहुत ग्रेट पर्सनालिटी पर्सनैलिटी मोटो मानस तो हम ये समझते हैं ग्रेट पर्सनालिटी अच्छा कोई ऑडिटर है तो हम समझते हैं कि सुबहान अल्लाह अच्छा राइटर है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा लेकिन अगर किसी के पास में किसी ने ऑरिटरी नहीं की किसी ने कुछ लिखा नहीं तो फिर हमारी नजर में उसका काम कुछ होता नहीं है हमारी नजर में उसका काम कुछ होता नहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह से ये हमारे है सोसाइटी के अंदर हर जगह पर यह है सैद शहदा शुण अबा अब्दुल्लासैन अलाम ज्यादा नहीं पढ़ूंगा बस तुझे दे, बस टाइम में खत्म कर दूंगा आधा घंटा आपकी विलादत कब है आपकी विलादत है फोर्थ हिजरा में आपकी शहादत कब है माकिडम कब है आपका सिक्सटी वन हिजरा में यह जो ड्यूरेशन आपका है सिक्सटी वन हिजरा से पहले कोई इमाम की जिंदगी में इंसिडेंट हमको मिलता है तो आप नहीं बोलेंगे तो फिर एक घंटा कर दूंगा हाँ ये आपके ऊपर है 61 वन हिजरा से कोई ऐसा आई कैचिंग कि जिसको हिस्ट्री ने अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया हो ऐसा है कोई इंसिडेंट नहीं है कब है एन में है उनकी जिंदगी का जो एंड है 61 वन हिजरा जो है उसमें एक ऐसा इवेंट है उनका वो परफॉर्मेंस जो ऐसा है कि ये कयामत तक जिंदा जावेद रहेगा नहीं उसने खुद इस्लाम को जिंदा जावेद कर दिया उससे पहले तो कुछ नहीं है अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 61 वन हिजरा से पहले शहादत से पहले इमाम हुसैन अलतलाम जो पोस्ट डिवाइन होल्ड करते थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की कोई उनकी स्पीच नहीं मिलती है इस तरह से कि हाई कैचिंग हो कोई ऐसा जो है वो इवेंट नहीं है कि हाई कैचिंग हो सिर्फ उनकी एंड में मिलता है तो अगर यही मान लिया जाए कि जिसकी जिंदगी में इतने एक्शंस होने चाहिए इतने इवेंट होने चाहिए कि जो आई कैचिंग हो तभी हम उसको फॉलो करेंगे या मानेंगे तो फिर इमाम हुसैन के बारे में क्या है उनके बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा अलह सलाम उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है उनकी जिंदगी में अगर है तो वो सिर्फ सुलह है और कुछ तो है ही नहीं दीगर आईम अलह मुस्लाम की जिंदगी को आप देखें तो चौदह साल कैद खाने में तो क्या हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये कहें कि जो कैद खाने में रहे वो कैसे इमाम हो सकता है इमाम का काम तो गाइड करना है भाई हाउस रेस इमाम रहते थे कोई मिल नहीं पाता था तो हम कह सकते हैं कि इमामत का क्या फायदा है उनके पास में ये पोस्ट नहीं होनी चाहिए हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं फिर भी हम मानते हैं फिर भी हम कहते हैं सातवें इमाम इतने साल तक जेल में रहे ग्यारहवें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना परेशान किया गया हाउस अरेस्ट किया गया जब भी हमारे यहां इमामत की बात होती है तो हम यही कहते हैं कि इमाम बारह हैं हमने कभी बारह को ग्यारह नहीं किया और बारह को कभी हमने तेरह नहीं किया इतने उस इमामत के दौर के बावजूद भी इतने बड़े बड़े थिंकर आए इतने बड़े बड़े राइटर्स आए इतने बड़े बड़े ऑडिटर्स आए हमने किसी को इमामत की लिस्ट में ऐड नहीं किया इसका मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो आई कैचिंग इवेंट से भरी हुई हो देखिए ये जो इमाम हुसैन अलतलाम का जो काम है जो 61 हिजरा में है जो 61 हिजरा में है इसके लिए चार हिजरी से लेकर 61 हिजरा तक इमाम हुसैन अल सलात ने तैयारी की थी अल्लाह ने इमाम अलह सलात को इमाम बनाया ही था इसी काम के लिए खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया था हसन मुश्तबा जो है उनकी जिंदगी में नहीं है लेकिन उन्होंने सुलह के लिए पूरी जिंदगी तैयार की यह बहुत मुश्किल होता है कि इंसान जो है वो एक इवेंट के लिए पूरी अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर दे सिर्फ एक काम के लिए यह कौन कर सकता है यह वही कर सकता है जिसके पास में डिवाइन पोस्ट हो दूसरा कोई नहीं कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता है कोई ये नहीं हो सकता है कि अपनी जो है वो वाइफ को लेकर जाए अपनी सिस्टर को लेकर जाए अपनी बेटियों को लेकर जाए कोई नहीं कर सकता है ये हुसैन असलातम ने पूरी जिंदगी करबला की जो ट्रेजेडी है उसके लिए तैयारी की और उसके बाद में अपनी जिंदगी के एन में गए और शहीद हुए उस शहादत की वजह से क्यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है ये मत ढूंढिए कि इनकी जिंदगी इवेंट से भरी हुई है या नहीं हुई है यह देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी वो उन्होंने फुलफिल की कि नहीं मौला हुसैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी वो उन्होंने फुलफिल की इमाम हसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी वो उन्होंने फुलफिल की अब आइए सैद तो आलमीन के लिए वो नबी तो नहीं है वो इमाम तो नहीं है उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं मिलता है आई कैचिंग आई कैचिंग इवेंट जो है ये क्राइटेरिया नहीं है क्राइटेरिया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल की के नहीं रसूल जिस विलायत को जिस खिलाफत को गदीर में बयान करके गए थे मुसलमानों ने उसको बिल्कुल कत्ल कर दिया था उस खिलाफत को उस विलायत को अगर फातमत जहरा न होती तो वो विलायत और खिलाफत जो गदीर में ऐलान हुई थी कभी उसे जिंदगी न मिलती ये तो शहजादी का सदका है कि खुद के ऊपर दरवाजा गिराना पसंद कर लिया अली की विलायत का ऐलान करना न ऐलान करना पसंद नहीं किया अगर अगर फातमत जहरा का यह अमल ना होता तो कभी यह पता न चल पाता लोगों को कि सच्चा खलीफा कौन है खुदा का बनाया हुआ कौन है और लोगों का बनाया हुआ कौन है देखिए उसके लिए शहजादे ने कितनी कुर्बानी दी है प्रेग्नेंट है मोहसिन अल्लात वसलाम पेट में है अपने बच्चे की कुर्बानी पसंद पसंद कर ली लेकिन अली की विलायत जो है उसको बर्बाद करना पसंद नहीं किया अपनी पसलियां तोड़वा ली लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया कि लोगों के सामने यह ना आए कि हक जो है वो अली है और हक जो है वो अली के साथ है सब कुछ बर्दाश्त कर लिया लेकिन ऐलान क्या किया देखिए अगर इसीलिए इसी वजह से रसूल के बाद जो जमाना आया जिसमें विलायत और खिलाफत को बर्बाद करने की कोशिश की गई अगर फातिमा न होती और अगर फातिमा मासूमा न होती तो आज हमारे सामने क्या होता हुकूमत जिसके पास में ताकत है और एक लेडी है हम क्या कहते हम तो हमेशा उसी को फॉलो करते हैं जो हुकूमत कहती है लोग कह देते हुकूमत जिसके पास में थी वो राइट थी नहीं आज तारीख क्या कहती है कि फातिमा राइट थी क्यों इसलिए कि फातिमा का मासूम होना जरूरी है मासूमा होना जरूरी है चूंकि फातिमा को अल्लाह ने मासूमा बनाया था अब अगर फातिमा अली का ऐलान करती है विलायत और खिलाफत का तो अली खलीफा है जिसे सकीफा ने लोगों ने बनाया है वो खलीफा नहीं है इसीलिए फातिमा का मासूम होना जरूरी है इसलिए कि मासूम का कौल ही और मासूम का अमल ही हुजत बन सकता है किसी और का हुजत अमल नहीं बन सकता है तो मेरे कहने का मतलब यह है अल्लाह ने अल्लाह ने इस बीबी को मासूमा बना कर भेजा ताकि में विलायतों खिलाफते अली का जो ऐलान था उसे शहजादी कुर्बानी देकर क्यामत तक के लिए जिंदा कर दें और आज देखें क्यामत तक के लिए शहजादी ने अपनी कुर्बानी से अली को जिंदा कर दिया इस अली ना को आसान न समझे कि बस ये अली यू ही है नहीं इस अली अली इसल की वजह से जनाब मोहसिन की शहादत हुई है इस अली की वजह से शहजादी की पसलियां रिब्स जो है वो तोड़ी गई है इस अली वलियला की वजह से बचाने की वजह से शहजादी को तमाचा भी मारा गया है वो मकाम है इस बीबी का वो मकाम है इस बीबी का मसाइब के जुमले में सिर्फ इतना कहूंगा इतना कहूंगा हम जब कभी भी फखर से अली अपने जबान पर जारी करें तो हमें फातिमा के दात पर सलावाद पढ़ना चाहिए ऐ शहजादी आपका एहसान है अगर आपकी कुर्बानी ना होती तो अली की विलायत और खिलाफत न बचती ये तो आपने अपने अमल से अली की विलायत और खिलाफत को बचाया मकाम जहरा क्या है मुसीबत जहरा क्या है रिवायत में है कि कयामत का दिन जब कायम होगा अल्लाह अवलीन और आखरीन को जमा करेगा अच्छे भी उसमें होंगे बुरे भी होंगे कौमे भी होंगी उम्मती भी होंगे और नबी भी होंगे हद ये है कि रहमतुल्ल भी होंगे जब सब के सब जमा हो जाएंगे तो एक आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से या आला महर गु अब फार नकुम ए मशर वालो अपनी आंखों को बंद कर लो अपने सर को झुका लो किसमें हिम्मत होगी को कोई कहे कि क्यों लेकिन खुद अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी इसलिए कि फातिमा आ रही है फातिमा आ रही है फातिमा। मैंने पढ़ा तो नहीं लेकिन सुना है जरूर मैंने कि ये हुक्म जो है ये सबके लिए होगा हत्या के रसूल के लिए भी होगा आप भी अपनी नजरों को बंद करें अपने सर को झुकाएं। फातिमा की सवारी महर के मैदान में आ रही क्यों फातिमा आएंगी फातिमा आएंगी इंसाफ चाहने के लिए परवरदे आज इंसाफ का दिन है आज फैसले का दिन है आज तू फैसला कर महबूद तू हकम उल्हा है अल्लाह के रसूल तो बाप हैं, फादर हैं, उनसे ये क्यों कहा जाएगा कि आप भी अपनी नजरों को झुका लें बंद कर लें आंखों को इसलिए कि हो सकता है फातिमा जिस कंडीशन में आएंगी वो कंडीशन तो रसूल से भी नहीं देखी जाएगी फातिमा की पसलियां टूटी होंगी फातिमा के चेहरे पर तमाचे का निशान होगा और फातिमा के हाथ में एक छोटी सी मोहसिन की मैयत होगी ए अल्लाह तेरे बली की हिमायत में ए अल्लाह तेरे वली की नुसरत में देख तेरी लोगों ने मेरी क्या हालत बनाई है ये मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले और रिवायत में ये भी है कि साथ में दो कटे हुए हाथ होंगे अबुल फजील अब्बास के हाथ होंगे ए अल्लाह जिसे अली ने हुसैन के लिए मांगा था उसके साथ में क्या सुलूक हुआ मेरे अब्बास के बाजू काटे ألا لعنة الله على الْقَوْمِ الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وابيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها خصوصا آج کی مجلس جو مُؤمنين جو اور بچے دار السلام میں اس حادثے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں उनकी अरवाह के लिए भी है ये मलिस जो है वो डेडिकेट की गई है हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया होता है समझने सुनने के लिए सोचने के लिए कि इस दुनिया के अंदर मौत जो है वो कितनी आसान हो गई है अल्लाह की बारगाह में शहजादी के तवस्ल से वसीले से दुआ है उनकी अरवाह को अम मासूमी सलात वसलाम के जवार में जगह आता फरमा उन्हें शफात मोहम्मद वाल मोहम्मद नसीब फरमा और अबाना तबलका एक मरतसूर हमद और तीन मरतबसूरत अखलास के तलावत फरमाकर उन मरहूम के जुदाराम में इस हादसे की बिना पर शहीद हुए हैं और तमाम मरहूम ममीनात की अरवा के लिए सूरतुलमबारकुलफातहा